ये कहानी है उन लोगों की जो भारत की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं और गुजरात के अहमदाबाद से कोसों दूर। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला के लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, दिवाली पर इंगोरिया की अद्भुत लड़ाई भी ये लड़ते हैं। लेकिन ध्यान से देखें तो इनकी जरूरतें बहुत बुनियादी हैं। उन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी इन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और उस पर बीमारी आ जाए तो हालात और खराब हो जाते हैं। इलाज का खर्च कमर तोड़ देता है इनकी। और अच्छा स्वास्थ्य तो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। जब ये बीमार पड़ते हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी इन्हें पकड़ लेती है, तब ये क्या करते हैं? बुनियादी मेडिकल सुविधाओं की कमी में, पैसों की तंगी में ये किसान, ये कर्मठ लोग क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर दिया सावरकुंडला के ही उन लोगों ने जो सावरकुंडला से बाहर गए नाम और रोजी रोटी कमाने। वो लड़के लौट कर वापस सावरकुंडला आए और पूज्य श्री मुरारी बापू के प्रोत्साहन और उनके सानिध्य में लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर की स्थापना की। श्री विद्या गुरु फाउंडेशन द्वारा इस हॉस्पिटल की स्थापना सन 2015 में की गई। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पैदा होने के बाद जिसकी ना सांस होती है और ना ही हृदय की धड़कन होती है, तो ऐसे केसेस को हम रिसक्सीटेट करके फिर उसको सर्वाइव करते हैं, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हमारे लिए होता है। वो ऐसे डॉक्टर एक छोटे से गांव में आकर अपनी सेवा दे रहे हैं, ये तप है। यह हॉस्पिटल अब अपने 8 बरस पूरे करने जा रहा है। यहाँ सारी सुविधाएं एकदम निशुल्क हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। इस हॉस्पिटल में नन्ही उम्मीद जन्म लेती है और इन बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए यहाँ NICU की सुविधा है। डायलिसिस किडनी खराब हो जाने की सूरत में एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगातार कराने में किसी समृद्ध व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी खाली हो जाए तो फिर गरीब मनुष्य इस इलाज का खर्चा कैसे उठाएगा? इस बात का भी जवाब लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर है। यहाँ डायलिसिस भी निशुल्क है। यहाँ 24/7 इमरजेंसी वार्ड है, ICU है, ICCU है। यहाँ की एम्बुलेंसेज हमेशा तैयार रहती है। यहाँ OPD में तकरीबन रोज 1200 से ज्यादा मरीज आते हैं। मैं यहाँ फिजिशियन हूँ, MD मेडिसिन के आए। हमारे मेडिसिन के OPD में तकरीबन 600 पेशेंट आते हैं हर रोज। काठियावाड़ी घोड़े की खूबसूरती और रफ्तार पूरी दुनिया में मशहूर है और काठियावाड़ के इस हॉस्पिटल ने भी पूर्ण संकल्प ले लिया है कि यहाँ के लोगों की रफ्तार भी कभी धीमी नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ इस आरोग्य मंदिर में तप चल रहा है, तपस्या हो रही है। यहाँ तपस्या का मेरी दृष्टि में अर्थ है इतने निष्णात डॉक्टर जो हर रोग के निदान और परिणाम लाने में सक्षम है। अभी पेशेंट को जो करना है वो सर्व ही करना है और कुछ नहीं करना है। और संस्था जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो ट्रस्ट जो है, वो हमें देख रहा है, हमें पेशेंट को देखना है। यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। बस, ऑटो, ट्रेन, जो वाहन, जो साधन मिले उसका उपयोग करते हैं। बीमारी जब भयंकर बीमारी बन जाती है तो मनुष्य के साथ साथ समाज को भी झकझोर देती है। उन भयंकर बीमारियों से भी लड़ने को तैयार है यह हॉस्पिटल। मैं पहले अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पे 80,000 से लेके 150,000 का कॉस्टिंग होता था, तो जो यहाँ पे जॉइंट हम डालते हैं वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ कैंसर का इलाज होता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए यहाँ कीमोथेरेपी की सुविधा है तो ऑपरेशन की भी। इस बात पे ध्यान दें कि सारे इलाज के लिए मरीज एक भी पैसा खर्च नहीं करता, यहाँ तक कि दवा का खर्चा भी यह हॉस्पिटल ही उठाता है। यह हॉस्पिटल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टक्कर देता है और फर्क यही है कि यहाँ इलाज अमूल्य है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर यहाँ की पैथोलॉजी लैब सेवा करने के लिए तत्पर यहाँ का स्टाफ। सरल बात यह है कि OPD से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक, पैथोलॉजी लैब से लेकर डेंटल डिपार्टमेंट तक सुविधाएं भरपूर हैं कि यहाँ इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। गांव स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ। इसलिए सावरकुंडला से भी दूर दराज के इलाकों में इस हॉस्पिटल का मोबाइल क्लिनिक पहुंचता है।
हमने ये तो सुना है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये भी सत्य है कि जहाँ बीमारी पहुँचती है वहाँ ये हॉस्पिटल इलाज लेकर पहुँचता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ नेचुरोपैथी और होम्योपैथी इलाज भी यहाँ उपलब्ध है। मरीजों की सेवा के लिए आए उनके परिजनों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है। यहाँ का किचन लगातार काम करता रहता है। ये अविश्वसनीय है कि आज के जमाने में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो इलाज, दवा, ऑपरेशन, सभी टेस्ट तो फ्री करता ही है, साथ में भोजन की भी व्यवस्था है। ये सब अमूल्य है। ये सब पूज्य मुरारी बापू के प्रोत्साहन से ही हो पाया। सावरकुंडला स्थित लल्लूभाई सेठ आरोग्य मंदिर जो 8-9 साल से निशुल्क अस्पताल चला रहे हैं, जिसमें अमूल्य सारवार हो रही है, जिसका मैं साक्षी हूँ। एक सवाल मन में आता है, इस सबका खर्चा कितना होता है? प्रत्येक वर्ष लगभग 8.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि इतना पैसा कहाँ से आता है? इस सवाल का जवाब आप हैं जो इस वक्त इस फिल्म को देख रहे हैं। लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर श्री विद्या गुरु फाउंडेशन को मिलने वाली डोनेशन से चलता है। सन 2018 में पूज्य मुरारी बापू ने राम कथा गाई थी। बापू के एक आह्वान पर एक बहुत बड़ी धनराशि इस हॉस्पिटल को दान के रूप में मिली और वही दान आज इस अस्पताल के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। भारत के समृद्ध लोग यदि योगदान नहीं देंगे, डोनेशंस नहीं देंगे, तो भारत के गांवों में पलती, हंसती, दौड़ती उम्मीद कैसे फलेगी फूलेगी? लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर गरीबी और महंगे इलाज के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच ये हॉस्पिटल उम्मीद की चट्टान बनकर खड़ा है। इसे जरूरत है तो आपके योगदान की, डोनेशंस की। आप सब आते हैं देखकर, खुद महसूस करके आप उसमें अपनी आहुति डालते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी क्षमता के अनुसार तप करें, आहुतियां डालें, दान करें और समाज में निरोगीता प्रकट हो। मरी जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोहे न लागे लाज। प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम हरेश मेहता है। मैं श्री विद्या गुरु फाउंडेशन श्री लल्लूभाई सेठ आरोग्य मंदिर सावरकुंडला का एक सामान्य सेवक हूं। 2015 में बापू की प्रेरणा से हमने यह अस्पताल शुरू किया है और बापू का भाव यह रहा है कि जो भी अच्छा काम हो वो निशुल्क होना चाहिए, अमूल्य होना चाहिए, जिसका कोई मोल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि बापू जुड़े हुए हैं तो विश्वसनीय काम होता है, अच्छा ही काम होता है। बस यही कहना चाहता हूँ। और हम 2015 से आज 8 साल पूरे कर चुके हैं। करीबन 13 लाख से ज्यादा दर्दियों की सेवा हो चुकी है और निरंतर ये काम आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर सावरकुंडला सिर्फ बीमार का इलाज ही नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। अगर सत्य, प्रेम, करुणा, भरोसे के साथ मन में है तो जो आप करना चाहते हैं वो संभव होगा। उम्मीद ही जीवन है।